हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम कर रहे हैं सैनिक स्कूल एंड मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्लास सिक्स के लिए, टॉपिक नेम रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ओके, आज पार्ट टू हम डिस्कस कर रहे हैं। पार्ट वन हमने इससे पहले वाले क्लास में हमने किया था और उसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट सीखा था, और आज हम करने वाले हैं उसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए, ट्रिक और शॉर्टकट का यूज करते हुए आज हम क्वेश्चंस करेंगे, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनके बहुत बहुत ज़्यादा चांसेस हैं एग्जाम में पूछे जाने के। तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं एग्जाम के लिए तो वो ये क्वेश्चंस जरूर करें और करके देखें। अगर फिर कोई प्रॉब्लम आती है, वैसे तो मैं सॉल्यूशन आपको करवा रहा हूँ, फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से बात कर सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9541079129। ओके, तो आप व्हाट्सअप करें, पहले व्हाट्सअप करके आप टाइम लें और फिर आप कॉल करें, ठीक है। व्हाट्सअप मैसेज आप करेंगे तो आपको हर नोटिफिकेशन मिलेंगे, क्वेश्चंस मिलेंगे, और आप हमारा पेड कोर्स भी परचेज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ मैं आपको क्वेश्चंस करवा रहा हूँ वो 15 क्वेश्चंस पर टॉपिक आपको मैं करवा रहा हूँ, प्लस बेसिक कॉन्सेप्ट करवा रहा हूँ। और हमारे पेड कोर्सेज में आपको 100+ क्वेश्चंस एक टॉपिक के मिलेंगे, प्लस 150+ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए। ये हमारा जो है स्टडी मटेरियल वगैरह भी आप परचेज कर सकते हैं, बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए आप कॉल कर सकते हैं 9541079129। आइए स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन इज द रेशियो ऑफ 56 मीटर एंड 28 मीटर इज। तो जब भी आपको रेशियो कैलकुलेट करना हो तो रेशियो का मीनिंग होता है कि आप उसे क्या कर लें, डिवाइड कर लें, क्या कर लें, डिवाइड कर लें। तो दोनों को आप डिवाइड कीजिए, किससे डिवाइड कर सकते हो, 14 की टेबल आती होगी आपको, 14 टू जा 28, 14 फोर जा 56, फिर 2 वन जा 2 एंड 2 टू जा 4, तो ऊपर बना 2 डिवाइड बाय आया 1। तो जो ये डिवाइड में होता है इसी को हम रेशो में कन्वर्ट कर देते हैं, 2:1। पहले लिखा होगा नंबर उसको आपको न्यूमरेटर लेना है, डिनोमिनेटर लेंगे जो सेकंड नंबर होगा उसको। ओके, आप इसको इस फॉर्मेट से सोल्व कर सकते हैं, 2:1 आ जाएगा। और आप डायरेक्ट इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 56:28, और आप यहाँ से भी कैंसिल कर सकते हैं, 28 की टेबल तो आपको नहीं अगर आ रही, वैसे तो पता ही 28 का डबल होता है 56, तो आप इसको कैंसिल करके आंसर लिख सकते हैं। ओके, कोशिश करें जो बड़ी से बड़ी टेबल आपको याद हो आप उससे कैंसिल करने की कोशिश करें। कुछ बच्चे क्या कर लेते हैं, 2:2 की टेबल से कैंसिल करना स्टार्ट करते हैं, तो क्वेश्चन काफी लेंथी हो जाता है, गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, तो ऐसा आपको नहीं करना है, बड़ी से बड़ी टेबल जो आपको याद हो उससे कैंसिल करने की कोशिश करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो ऑफ 3 मीटर एंड 330 सेंटीमीटर। तो देखो आप रेशो तभी बताएंगे जो ये मीटर में और ये क्या है सेंटीमीटर में, तो आपको यूनिट को इक्वल करना जरूरी है। तो आप मीटर को पहले किस में कर लेंगे, सेंटीमीटर में कन्वर्ट। 1 मीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, तो आपको 3 मीटर, 3 मीटर के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 × 100 यानी कि 300 सेंटीमीटर आपके पास आ जाएगा, 300 सेंटीमीटर। अब आप रेशो कैलकुलेट करेंगे 300 सेंटीमीटर का और 330 सेंटीमीटर का, तो 0 से आप 0 कैंसिल कर देंगे। अब देखिए 3 की टेबल से कैंसिल करेंगे तो 3 1 0 3 1 जा 3 1 जा 1, तो अब आप यहां से कैंसिल कर लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 10:11, 10:11, तो ऑप्शन बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों, समझ गए होंगे ना। अगर आपको इस तरीके से कैंसिल करने में प्रॉब्लम तो आप ऐसे कर सकते हैं कि 300 डिवाइड बाय 330, तो आप 0 से 0 कैंसिल करिए, 3 की टेबल में 3 1 जा 3 0 और फिर 3 1 जा 3 एंड 3 1 जा 3, तो ये आ जाएगा 10:11, तो आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड एक्स। अब देखिए मैंने आपको बताया था प्रोपोर्शन, बताया होगा प्रोपोर्शन, ठीक है, पिछली क्लास अगर जिसने नहीं देखी है तो वो जरूर देखें, बेसिक क्लास है रेशन प्रोपोर्शन पार्ट वन। तो प्रोपोर्शन में मैंने बताया था ऐसे होता है a:b प्रोपोर्शन बी c:d होता है, और इस प्रोपोर्शन का मतलब होता है इक्वल, इस प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है इक्वल, और हम जो डिवाइड, देखो रेशो को हम डिवाइड करके भी लिख सकते हैं, तो c/d हम ऐसे कर सकते हैं। अब यहाँ जो 4 वैल्यूज अपने पास हो गई है इसमें से कोई 3 वैल्यू हमें गिवन हो गई, एक हमें फाइंड आउट करनी होगी, सेम ऐसे ही है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 3:7 = 6:x, ये लिख लिया। अब इसको हम लिख सकते हैं 3/7 = 6/x। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आपको आता होगा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी, तो ये बन जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई एक्स
इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 7। अब देखिए x की वैल्यू निकालनी है ना आपको, तो 3 मल्टीप्लाई में है तो इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये डिवाइड में चला जाएगा। ओके अब 3 बन जा 3, 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, और x की जो वैल्यू आपके पास आ जाएगी वो आ जाएगी 2 इंटू 7 यानी कि 14। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा, ऑप्शन ए है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। और वैसे भी ये कौन सा है, इसे हम बोलते हैं जो x की जो वैल्यू हमसे जो कैलकुलेट करवा रहा है इसको हम बोलते हैं फोर्थ प्रोपोर्शन। क्या बोलते हैं? फोर्थ प्रोपोर्शन बोलते हैं इसको। ठीक है तो फोर्थ प्रोपोर्शन के लिए भी आप फॉर्मूला डायरेक्ट कर सकते हैं, वो होता है बी सी बाय ए। बी सी बाय ए, बी और सी कौन से होते हैं? सेकेंड वाला ये ए होता है, ये बी होता है, ये सी होता है, ये क्या होता है डी। तो डी की वैल्यू जब निकालनी है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है बी सी बाय ए। तो आप बी और सी को मल्टीप्लाई करके ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट से, और ये आप डायरेक्ट मैथमेटिक्स का यूज करके निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द रेशियो ऑफ 3:4 इन द डिफरेंट वे। अब 3:4 को आप किस तरीके से लिख सकते हैं? तो 3/4 है ना। अब आप ना इससे कोई भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मान लो आप इसे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप इसका लिख सकते हो 6/8 यानी कि 6:8 बन सकता है। आप इसे 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, दोनों को सेम नंबर से किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, रेशो 9:12 आप इसे लिख सकते हो। इसी तरीके से आप इसे 4:4 से मल्टीप्लाई करके भी आप लिख सकते हो, तो वो क्या आ जाएगा 12:16 भी आप इसे लिख सकते हो। ठीक है तो ये डिफरेंट वेज हैं। तो अब आपको ये देखना है, काफ़ी वे हैं इसको लिखने के, तो 15:20 भी आप इसे लिख सकते हो। तो अब आप देखिए इसमें से कौन सा है, 9:12 है। ओके तो 9:12 से ये आंसर हो जाएगा, ये नहीं होगा, 9:16 भी नहीं है, और तो कोई है ही नहीं। तो आपने जो कैलकुलेट किया था वो ये था 9 और 12। तो इसे आप ऐसे हम लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं अगर ये ऑप्शन में होता तो भी सही आंसर होता, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, किसी भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके हम लिख सकते हैं। क्लियर है? ओके तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप ये मत सोचना कि भी स्केयर कर दिया, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि इसका भी स्केयर कर दिया, इसका स्केयर कर दिया, ये मेथड गलत हो जाएगा। तो ऐसा नहीं कर सकते, सेम ही नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा हमें दोनों तरफ। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 2:5, देयर डिफरेंस इज 216, विच नंबर इज लार्जर नंबर। तो जब भी आपको दो नंबर दिया जाए, जैसे ये दो नंबर है, तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर हो जाएगा 2, इसके साथ आप x लगा लीजिए, सेकंड नंबर आपके पास हो जाएगा 5 और इसके साथ x लगा लीजिए। अब आप इसका डिफरेंस कैसे निकालेंगे? डिफरेंस का मीनिंग क्या होता है? डिफरेंस होता है ग्रेटर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर। तो ग्रेटर नंबर कौन हुआ? 5 एक्स, माइनस में कौन सा स्मॉलर नंबर हुआ? ओके 2x। तो 5x माइनस 2x इज इक्वल टू आपको दे रखा है 216 डिफरेंस। तो यहाँ से आपने देखा 5x माइनस 2x करेंगे तो 3x इज इक्वल टू 216 आ जाएगा, और x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, इसको डिवाइड कीजिए 216 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो 3 7 3 72, x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई है 72 आ गई है। अब आपको यहाँ से कैलकुलेट क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है लार्जर नंबर। अब लार्जर नंबर कौन था? ये स्मॉलर नंबर था, ये लार्जर नंबर है। तो लार्जर नंबर आ जाएगा 5 × 72, 5 × 10 = 5, 7 = 35 और 36, तो 360 आ जाएगा लार्जर नंबर। तो ये अपना आंसर हो जाएगा लार्जर नंबर 360। और अगर आपसे स्मॉलर नंबर पूछा होता तो आप क्या कैलकुलेट करते? 2 × 72, फिर आंसर क्या हो जाता? स्मॉलर नंबर अगर होता तो वो आंसर हो जाता 144। ठीक है तो यहाँ पे अपना जो आंसर है वो लार्जर नंबर आंसर था, ये हमें अगर पूछे तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके तो ये आंसर अपना यहाँ पे हो गया। क्लियर है? ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द सैलरीज ऑफ विमल एंड मोहन आर 2000 और 3000, फाइंड द रेशो ऑफ देयर सैलरी। तो सैलरीज आपको दे रखी है, अगर आपको रेशो निकालना है तो आप यहाँ लिखिए विमल की सैलरी और डिवाइड बाय किसकी सैलरी कर देंगे, मोहन की सैलरी कर देंगे। तो विमल की सैलरी है 2000 डिवाइड बाय मोहन की सैलरी 3000, ये कैंसिल हो गया। 2/3 को हम क्या लिख सकते हैं? 2:3 लिख सकते हैं, तो 2:3 आ जाएगा। देखिए पहले विमल है तो इसलिए विमल को ऊपर लिखेंगे, बाद में मोहन है तो मोहन को नीचे लिखेंगे। 2:3 ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके तो बच्चों आपको समझ आ रहा होगा, आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और जल्दी मैं लाइव क्लासेज लूँगा, अभी मैं आपको रिकॉर्डेड क्लासेज दे रहा हूँ, लाइव क्लासेज में मैं लूँगा तो उसमें भी आप मेरे से बात कर सकते हैं और आपका डाउट साथ ही साथ क्लियर कर सकते हैं। अभी लाइव क्लासेज जो है, पेड कोर्सेज जो है, जो बच्चे पेड कोर्सेज ले रहे हैं उनके लिए लाइव क्लासेज मैं ले रहा हूँ।
आपको भी मैं कंप्लीट सिलेबस यूट्यूब पे भी करवाऊंगा। ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए आप हमारा पेड कोर्स परचेज कर सकते हैं। 2:9 x:18 फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो जैसे कि मैंने बताया था 2/9 आप लिख लेंगे 2:9 को और x/18 लिख लेंगे। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई होता है तो ये 2 × 18 आ जाएगा और यहाँ पे 9 आ जाएगा इक्वल टू x आ जाएगा। तो 9 × 9 9 × 2 कितना हो गया 18, 2 × 2 कितना हो गया 4। तो x इज इक्वल टू आपके पास आ गया 4। तो x इज इक्वल टू 4, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ 4 रुपीज एंड 80 पैसा। तो देखो 1 रुपी जो होता है 1 रुपी वो 100 पैसे के इक्वल होता है। तो 4 रुपीज कितने पैसे हो जाएंगे, 4 × 100 400 पैसे हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 400 पैसे। यूनिट सेम होना जरूरी है, यहाँ रुपीज है तो यहाँ भी रुपीज ही होने चाहिए या फिर यहाँ पैसे है तो यहाँ भी पैसे होने चाहिए। पैसे में हमने कन्वर्ट कर लिया है 400 और 80, ठीक है। तो आप कैसे करेंगे इसे, 400 / 80, तो 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, 8 × 8 = 8, 8 × 5 = 40, ठीक है। तो आपके पास बन गया 5:1, क्या बन गया 5:1, यह ऑप्शन आपका सही आंसर हो गया, ठीक है। 5:1 ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए कॉलेज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स। तो नंबर ऑफ बॉयज टू द गर्ल्स क्या रेशियो है, 8:5। इसका मतलब जो बॉयज है वो कितने हो गए हैं, बॉयज हो गए हैं 8x, x हम अपनी तरफ से ले लेते हैं, और जो गर्ल्स हैं वो कितनी हो गई हैं, ठीक है वो हो गई है 5x। अब आपको दिया क्या हुआ है, देर आर 200 गर्ल्स, इसका मतलब आपको दिया है 5x इज इक्वल टू हो जाएगा 200। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 200 / 5 यानी कि 40। x की वैल्यू कितनी आ गई, 40, 5 × 4 = 20 और 1 0 आ जाएगा। तो x की वैल्यू 40 आ गई। आपसे पूछा था टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द कॉलेज, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट में तो क्या आते हैं, बॉयज और गर्ल्स दोनों ऐड हो जाते हैं, तो टोटल हो जाएगा 8x + 5x। तो 8x + 5x हो गया 13x। तो अब यहाँ से x की वैल्यू हमें पता ही, x की वैल्यू 40 है, मल्टीप्लाई कर देंगे 0 और 13 × 4 = क्या होता है 52 होता है। तो 520 आपके पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आ जाएंगे, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आर 520। वट मस्ट बी एडिड टू ईच ऑफ द रेशो 36:75 सो दैट इट बिकम 4:5। सबसे पहले तो जिस भी नंबर में कुछ भी ऐड करना होता है तो उसको लोएस्ट टर्म में लेके आना जरूरी होता है। लोएस्ट टर्म यानी अब ये कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कीजिए इसको, 3 की टेबल से कैंसिल हो, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6। अब ये 3 की टेबल में कैंसिल होगा, 3 × 2 = 6, 1 करिएगा 3 × 5 = 15, तो ये बन गया 12/25। अब इनमें क्या ऐड करें, दोनों में ऐड करना है हमें, दोनों में क्या करना है ऐड करना है, तो जो नहीं पता तो हम x एज्यूम कर लेते हैं, भी दोनों में x ऐड करना है, इक्वल टू रेशो क्या आना चाहिए 4/5 आना चाहिए। तो जैसे कि मैंने बताया क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये कंप्लीट नंबर है तो इसके इनको दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 12 + x इसके इसको किससे मल्टीप्लाई करना है 5 से, और आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है 25 + x इसको किससे मल्टीप्लाई करना है 4 से। ये हो जाएगा 12 × 5 = 60, ये हो जाएगा 5x = 24, 25 × 4 हो जाएगा 100 + 4x। अब देखिए सिर्फ जो है x वाली टर्म हम एक तरफ रख लेंगे तो ये आ जाएगा 5x − 4x = 100 − 60, तो x = 40। x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 40 आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई है 40, यानी कि हमें क्या ऐड करना है, वो नंबर ऐसा है वो है 40 ऐड करना है, ठीक है। आप इसे हिट एंड ट्रायल मेथड से भी कर सकते हैं। दूसरा मेथड इसके लिए क्या, हिट एंड ट्रायल मेथड है, वो कैसे है, आपके पास रेशो आ गया था 12:25 और वो कह रहा है ऐड करने के बाद 4:5 बनना चाहिए, तो आप 1/1 ऐड करना शुरू कर दें। पहले क्या करें, 12 + 40, ठीक है, इसका रेशो देखें चेक करके, 25 + 40 करके, तो अगर हम ये 12 + 40 करते हैं तो अपने पास आ जाएगा 52 और रेशो आ गया 65। इनको कैंसिल करके देखो, 13 × 4 = 13, 5 = 4:5 आ गया था ना,
तो क्या पता पहले ऑप्शन से आंसर आ जाए, क्या पता दूसरे ऑप्शन से आंसर आ जाए, क्या पता तीसरे से या फिर चौथे से। तो ऐसे भी आप हिट एंड ट्रायल मेथड भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये सेम जैसे हमने पहले किया था, 6.62 डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू 4/12। तो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये एक्स यहाँ चला जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई हम करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई हमें करना होता है। तो 4 कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, और एक्स कहाँ चला जाएगा, यहाँ, और ये 12 यहाँ चला जाएगा। एक्स की वैल्यू तो हमें कैलकुलेट ही करनी थी। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। अब इसकी हमें मल्टीप्लाई करनी है, तो 0.62 × 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 × 2 = 6, 3 × 6 = 18 हो गया। अब 2 के बाद डेसिमल है, देखो जिस तरफ से जिस हाथ से हम लिखते हैं राइट हैंड साइड से काउंट करते हैं, तो 2 के बाद डेसिमल लगा दो, आंसर आ गया 1.86। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आ गया 1.86। इफ ए रेशो बी इज इक्वल टू 5:5:6, बी रेशो सी इज इक्वल टू 7:8, फाइंड ए रेशो सी आपको फाइंड आउट करना है। ओके, तो पहले आप ये देखिए, ए रेशो बी आप देखिए क्या है, ए रेशो बी क्या है, ए रेशो बी आपके पास है 5:6, बी रेशो सी क्या है, बी रेशो सी आपके पास है 7:8। तो आप यहाँ से पहले ए रेशो बी रेशो सी आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। उसके लिए मैंने आपको लास्ट वीडियो में बेसिक कॉन्सेप्ट वाले में बताया था कि आप इस तरीके से कर सकते हैं, 5:6 और 7:8। अब आप जो खाली स्पेस है यहाँ पे 6 लिखेंगे, इस वाले खाली स्पेस में 7 लिखेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करना होता है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 × 8 = 48, 6 × 7 = 42, एंड 5 × 7 = 35। अब ये आता है ए रेशो बी रेशो सी। अब आपको क्या लिखना है, ए रेशो सी लिखना है, क्या लिखना है, ए रेशो सी। तो ए रेशो सी आप क्या लिखेंगे, 35 = 48, 35 = 48, ये आंसर आपका हो जाएगा। ओके, ऑप्शन बी है वो करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन द वर्ड मध्य प्रदेश द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ, रेशो ऑफ आएगा ऑफ द नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट टू द नंबर ऑफ वोवल्स, कॉन्सोनेंट कितने हैं और वोवल कितने हैं। तो पहले कॉन्सोनेंट गिनो, एक कॉन्सोनेंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो कॉन्सोनेंट कितने हैं, 9 है, तो 9 आ गया। इज टू क्या करना है, वोवल, वोवल काउंट कर लो, वोवल हो गया 1 2 3 एंड 4, तो वोवल हो गए 4, तो 9:4 आ गया अपने पास, रेशो ऑफ कॉन्सोनेंट टू द वोवल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो क्या है, m/24 इज इक्वल टू 3/12। अब m इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 3 × 24/12, क्योंकि ये तो क्रॉस में जाता है ना, मल्टीप्लाई होता है, तो 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, एंड m इज इक्वल टू 2 × 3 = 6, m इज इक्वल टू 6, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन, करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी, अगर एक्स रेशो वाई वाई रेशो जेड हो तो। तो देखो जिसने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लिया था ना, उसके लिए कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ये बन जाएगा एक्स रेशो वाई इक्वल टू, ये प्रोपोर्शन होता है, इसका मतलब इक्वल होता है, और इसको भी हम ऐसे लिखते हैं, एक्स अपॉन में वाई इज इक्वल टू वाई अपॉन में जेड, वाई अपॉन में जेड। तो इससे क्या लिख सकते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स जेड इक्वल टू वाई स्क्वेयर, एक्स जेड इक्वल टू वाई इंटू वाई क्या हो जाता है, वाई स्क्वेयर, ये और ये मल्टीप्लाई होगा, ये और ये मल्टीप्लाई होगा, तो वाई इंटू वाई होता है वाई स्क्वेयर। तो ये स्टेटमेंट इसकी सही हो जाएगी। ओके, ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा, बाकी कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं होगी। तो ये थे कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं आपसे, रेशो एंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड। ओके, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, कीप लर्निंग। और हाँ, आप किसी भी डाउट के लिए और क्लास की नोटिफिकेशन के लिए मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप आपको करना होगा, अपना नाम लिखना है, सैनिक स्कूल के नाम से, कोचिंग के नाम से आपको सेंड कर देना है, सैनिक स्कूल कोचिंग, 9541079129। और आप हमारे पेड कोर्स ही ले सकते हैं जिसमें हम आपको 100+ क्वेश्चन टॉपिक वाइज सोल्व करवाएंगे, एंड 150+ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए देंगे। ओके, और यूट्यूब पे भी आप सारा कंप्लीट कोर्स कर सकते हैं जिसमें आपको हर टॉपिक से 15+ क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे, और बेसिक कॉन्सेप्ट की क्लासें भी रहेगी। अब तक बहुत सारी क्लासेज में पढ़ा चुका हूँ, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे चैनल का नाम है एसेंट कोचिंग।
ठीक है, एसेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट हिसार, आप एसेंट हिसार भी सर्च कर सकते हैं, वो एसेंट हिसार भी आपको मिल जाएगा। ओके ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।